आत्मत्राण, आइए श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की लिखी हुई इस कविता को पढ़ें और उसका भावार्थ समझें। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना हो करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कहीं कोई सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जग में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में न मानुष है। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके ना तो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं नहीं संशय। तो पहली जो पंक्तियां हैं इस कविता की, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदाओं में पाऊं भय। कभी ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं करते हैं कि उन पर कोई विपत्ति ना आए, बल्कि वह यह चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें इतनी शक्ति दे कि वह उन विपदाओं का सामना कर उन पर विजय पा सकें। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। जब दुख से मन व्यथित हो जाए, तब कवि को ईश्वर से सांत्वना की अभिलाषा नहीं है, बल्कि वह तो यह प्रार्थना करता है कि उसे हमेशा दुख पर विजय हासिल हो। कहीं कोई सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जग में, लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में न मानुष है। कवि ईश्वर से कहते हैं कि कष्ट मुसीबत में कोई सहायक ना मिलने पर भी उनकी शक्ति कमजोर ना पड़े, लाभ के बदले अगर हानि उठानी पड़े तो भी वह हार ना माने, अपना मनोबल ना खोए, वे उस स्थिति का सामना भी साहस पूर्वक कर सकें। ऐसे समय में ईश्वर उनकी रक्षा करे, यह उनकी प्रार्थना नहीं है। वह तो बस इतना चाहते हैं कि उनमें इतनी शक्ति हो कि वह इस दुख रूपी सागर को तैर कर स्वयं पार कर सकें। मेरा त्राण करो अनुदिन, तुम मेरी यह प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणामय, तरने की हो शक्ति अनामय। कभी भगवान से यह नहीं चाहते हैं कि वह उनकी नैया को पार लगा दें, बल्कि वह मात्र इतना चाहते हैं कि उनमें नाव खेने की और तैरने की असीम शक्ति ईश्वर उन्हें दे, ताकि वह स्वयं ही मुसीबतों को पार कर सकें। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। कवि भगवान से अपनी जिम्मेदारियों को या अपने दुखों को, दुखों के बोझ को कम करने की विनती नहीं कर रहे हैं, वह सिर्फ इतना चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें इतनी शक्ति दे कि वह अपने जीवन के भार को निर्भय होकर वहन कर सके, निर्भय होकर उठा सके।
नत शिर होकर सुख के दिन में, तब पहचानो छिन छिन में। और इन अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि वह सुख के दिनों में भी सिर झुकाकर ईश्वर को याद रखना चाहते हैं और वह एक पल भी ईश्वर को भुलाना नहीं चाहते। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय तुम पर करूं नहीं संशय। अंतिम पंक्तियों में कवि यह चाहते हैं कि जब कभी उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े और दुख की इस काली रात्रि में संपूर्ण धरती अर्थात हर एक व्यक्ति भी उनसे धोखा करे, उनका साथ छोड़ जाए, तब भी ईश्वर पर उनका विश्वास बना रहे, उनके प्रति कवि के मन में कोई संदेह ना जागे। यही कवि की इच्छा है, यही कवि की प्रार्थना है। धन्यवाद।